What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell. ओके सो हाय गाइस, दिस इज़ गेमिंग प्रोशन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं ऑल द बेसिक्स ऑफ रिकॉइल कंट्रोल इफ़ योर फ़ोन डज नॉट सपोर्ट जायरो, राइट? बहुत से लोगों का मेरे को ये कमेंट्स आते हैं नीचे पीपल से कि आप रिकॉइल जायरो, आप जायरोस्कोप यूज़ करते हो उसके थ्रू आप रिकॉइल कंट्रोल करते हो, तो विदाउट जायरोस्कोप आप कैसे रिकॉइल कंट्रोल करोगे? तो मैं बता रहता हूँ, मैं एक्चुअली महीने पहले मैंने जायरोस्कोप के साथ खेलना शुरू किया. उससे पहले मैं विदाउट जायरो खेलता था. यू कैन चेक इट आउट इन माई ओल्डर वीडियोस एंड स्टिल आई वॉज एबल टू कंट्रोल माई रिकॉइल एट एन अमेजिंग लेवल. तो मैंने फिंगर टैप्स ऑन कर रखे हैं. ये मेरा राइट थंब है एंड ये मेरा लेफ्ट थंब है एंड दैट इज़ हाउ आई एक्चुअली प्ले द गेम विद दीज टू टैप्स ओनली. एंड मतलब थंब गेम प्ले होता है. तो टू फिंगर यू नो थंब गेम प्ले में आप रिकॉइल कैसे कंट्रोल कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे. तो नॉर्मली सब लोगों को पता है क्या चीज़ करनी होती है एक्चुअली रिकॉइल कंट्रोल करने में, बट हम बेसिक चीज़ों से शुरू करते हुए ऊपर तक जाएंगे. ठीक है, हम लोग लेंगे एक बहुत ही बेसिक गन इस चीज़ के लिए जिसपे कि रिकॉइल यू नो कम होता है एंड एक गन जिसपे कि रिकॉइल ज़्यादा होता है. हमें पता है दोनों कौन सी गन कौन सी है, कौन सी गन कौन सी है. सो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे. सबसे पहली चीज़ मैं बात करना चाहूँगा स्कोप को लेकर. यू कैन यूज़ दीज टू स्कोप्स. ओके, अब AR पे रिकॉइल हमको कंट्रोल करना होता है, गन्स पे जो कि एक के बाद एक टैप मारती हैं, स्प्रे मारती हैं, है ना, उन पे रिकॉइल कंट्रोल करना होता है. कार 98 वगैरह पे तो इतना अपने को दिक्कत नहीं होती है. तो अगर ये गन स्प्रे मार रही है तो रिकॉइल हम कैसे कंट्रोल करेंगे? अब नॉर्मली हमारे पास दो फायर बटन्स हैं, पहला है यहाँ का एंड दूसरा है यहाँ का. ठीक है, अब मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि मैं राइट वाले बटन से ही फायर करूँ, क्योंकि जब मैं इस बटन से फायर करता हूँ ना, आप देख रहे हो मैं अपना कैमरा हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो हिल नहीं रहा है, बट अगर मैं इस बटन से फायर करूँ तो मेरा कैमरा हिलता है जिस डायरेक्शन में मैं हिलाना चाहता हूँ. दैट मीन्स इफ़ आई एम वॉकिंग और समथिंग एंड जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ मेरा कैमरा ऊपर एंड नीचे हो रहा है. दैट मीन्स अगर मैं इसके साथ शूट कर रहा हूँ तो भी मेरा कैमरा ऊपर एंड नीचे हो सकता है इसके साथ. और रिकॉइल तो अपने को पता है कि गन को ऊपर को लेके जाता है थोड़ा सा, उसी चीज़ को हमको कम करना है. तो कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे इसको नीचे को जितना नीचे आप खींचोगे उतना ज़्यादा रिकॉइल आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे. दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट इन दिस वीडियो, लाइक इन दिस गेम एंड ऑल ओवरऑल. अब दूसरी चीज़ जो आती है, बहुत बेसिक टिप, बहुत ज़्यादा बेसिक टिप, एंड यू शुड एक्चुअली ट्राई एंड डू दैट. जितना छोटा स्कोप उतना अच्छा रिकॉइल कंट्रोल होगा, 100% गारंटी टिप. जितना छोटा स्कोप है उतना अच्छा रिकॉइल कंट्रोल होगा. ये एक्चुअली पता है क्या होता है, ये एक विजुअल हैक है. रियलिटी तो गन रिकॉइल गन का गन पे डिपेंड करता है, स्कोप या किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता. बट द पॉइंट इज जब आपका स्कोप बड़ा होता ना तो आप खोलते हो आपके सामने पूरी की पूरी चीज़ होती है, तो आप उस पर ठीक से शॉट मार नहीं पाते हो एज़ कम्पेयर टू एज़ कम्पेयर टू जब आपका स्कोप छोटा होता है. बिकॉज आपका स्कोप छोटा होता है आपको एक लार्जर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है उस बंदे पे शॉट लेने के लिए, एक लार्जर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है. लेकिन जब इसके उल्टा हो जाता है तो आपको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है. जैसे स्कोप खुलेगा आपको पता नहीं यहाँ पे खुलता है, तो आप गोली मारते मारते कहाँ चले जाओ कहाँ नहीं जाओ. तो छोटा स्कोप जितना अच्छा रख सको उतना बढ़िया ARs पे. आई हैव सीन पीपल हु कॉल देमसेल्फ प्रोस बट स्टिल आर स्प्रेइंग ग्रोजा विद अ 6x एंड देन दे आर लाइक भाई गोली नहीं लग रही. दिस इज़ वेयर यू माइट बी लैकिंग. गोली लगने के लिए आपको प्रॉपरली अच्छे से स्प्रे मारने के लिए छोटा स्कोप, दैट मीन्स विजुअल हैक. इट डज नॉट डू एनीथिंग टू अ गन बट स्टिल विजुअली इट्स अ हैक. यू कैन एक्चुअली चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ. जितना छोटा स्कोप उतना ज़्यादा अच्छे से आपको फुली हेल्प करेगा. देन देर आर थिंग्स, आई मेड अ वीडियो अबाउट ग्रिप्स, आई लिंक इट डाउन, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. ग्रिप्स एंड अटैचमेंट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट. किस गन पे क्या चीज़ लगनी चाहिए एंड क्या चीज़ नहीं लगनी चाहिए इसका आपको प्रॉपरली आइडिया होना चाहिए. बिकॉज जिस गन पे जो चीज़ लग रही है वो उस गन को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है. अब इस पे वर्टिकल लगाया है जो कि इस गन को ऑब्वियसली बनाएगा,
अगर इस पे मैं लाइट ग्रिप लगाया था तो वो बहुत बिगड़ा हुआ रिकॉइल हो जाता, बट हाँ रिकॉइल रिडक्शन कैपेसिटी कम होती है उससे, बट स्टिल रिकॉइल बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो दैट इज दैट देर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ द थिंग्स. आप मेरी फुल ग्रिप वीडियो देख सकते हो, इट विल बी लिंक्ड एंड आई रिकमेंड यू टू चेक इट आउट बिकॉज वो इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए रिकॉइल को. अब ग्रिप लगाकर जब आप रिकॉइल कंट्रोल करोगे तो बहुत डिफरेंस आता है ग्रिप लगाकर, बिकॉज इन रियल लाइफ ना आर गन एक्चुअली यू नो ये सब चीज़ें जो लगती हैं, यू कैन सी इट्स होल्डिंग द ग्रिप राइट नाउ इन विद ऑन द गन. यू कैन सी आई एम टैपिंग आउट हेयर, इट्स होल्डिंग दिस ग्रिप राइट नाउ. बट इफ द ग्रिप इज रिमूव्ड और समथिंग, इट्स होल्डिंग द गन विद दिस फॉर्म. एक्चुअली ये ग्रिप जब लगाता है तो ग्रिप से गन को नीचे को धक्का मारता है अपने हाथ से, जिसके कारण कि रिकॉइल कंट्रोल होता है. दैट इज हाउ यू कैन, यू जस्ट नीड टू नो द राइट अटैचमेंट. उसके लिए आप वो वाली वीडियो देख सकते हो. देन देयर कम्स वन मोर थिंग. सपोज जैसा मैंने सबसे पहले पॉइंट में बोला 6x का स्प्रे है ना, जस्ट सपोज आपको 6x लगाना भी पड़ता है इस वाले पे, जस्ट यू नो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल एंड आपने 6x लगा लिया तो भी बहुत डिफरेंस. एक चीज़ कर सकते हो आप, पहली चीज़ स्कोप छोटा, और अगर आपने दूर के स्प्रेज मारने हैं यू इधर डू दिस और यू डू दिस और यू डू दिस दूर के स्प्रेज के लिए रिकॉइल कंट्रोल बहुत अच्छा होगा. बिकॉज जब हम लेटते ना हमारी गन का पूरा वेट हमारी बॉडी के वेट पे काउंटर हो जाता है. इसको इसको समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट्स जस्ट पिक अप एवरीवन्स फेवरेट गन विच इज दिस राइट गन. ऑब्वियसली रिकॉइल नहीं है, बट ये जो ये बाईपॉड्स लगे हुए हैं ना इस पर, जब आप लेटते हो तो बाईपॉड्स इसके ऐसे खुले हुए मिलते हैं आपको, नॉट ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे काइंड ऑफ नीचे, बट ऐसे बाईपॉड्स खुल जाते हैं अगर आप ध्यान से देखो. विच इज़ लुकिंग एट इट, बाईपॉड्स इसके खुल रहे हैं अब. दैट मीन्स वो रियल लाइफ में वो धरती में घुस जाते हैं, जिसके कारण कि वो रिकॉइल कंट्रोल करते हैं. सेम गोज विद MK14. दिस इज हाउ दीज गन्स कंट्रोल रिकॉइल. दैट मीन्स अगर आपको करना है तो आप यू कैन डू दिस और यू कैन डू दिस और यू कैन डू दिस. दीज थिंग्स कैन एक्चुअली हेल्प यू, लाइक यू कैन डू दिस एंड यू कैन जस्ट स्प्रे. दिस नो हार्म इन दैट राइट. यू कैन डू दिस एंड स्प्रे एंड देर विल बी नो हार्म, एंड आपका रिकॉइल अच्छे से कंट्रोल होगा ही होगा इफ़ यू वॉन्ट टू. लॉन्ग रेंज के शॉर्ट्स के लिए बात कर रहा हूँ. अदरवाइज यू नो देर इज वन डिफरेंस दैट यू कैन डू. लॉन्ग रेंज पे ऐसे शॉर्ट्स लेने की जगह यू कैन जस्ट डू दिस सिंगल पे करके. यू सी द एक्यूरेसी. अगर दूर भागते हुए बंदे को मारना है, कवर लो अपना, यू टेक योर कवर, यू जस्ट पीक आउट एंड यू ऑल द शॉर्ट्स आर ऑन दैट गाय. जैसे आपको उसके हेड का अंदाज़ा होना चाहिए, जस्ट टेक इट एंड यू जस्ट डू इट, जो कि बहुत इजीली हो सकता है. आप मेरे टैप्स की मूवमेंट देख सकते हो कि मैं किस टाइप से मूवमेंट कर रहा हूँ थंब के थ्रू एंड क्या चीज़ कैसे काम आती है. तो दैट इज दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली कंट्रोल रिकॉइल. सपोज इफ योर गन डज नॉट हैव एन ऑटो मोड, स्टिल यू जस्ट नीड टू टैप एंड इट विल यू नो हेल्प अ लॉट. सीरियसली इट विल हेल्प अ लॉट. सो दीज वर रियली स्मॉल टिप्स जो कि रिकॉइल कंट्रोल करने के काम आती हैं. अगर आप लोगों को पसंद आए तो यार शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनके कि जायरोस्कोप का रिकॉइल नहीं चलता है, एंड आई होप सो कि आप लोग शेयर करोगे. लेट्स जस्ट एम फॉर आई डोंट नो, लेट्स जस्ट ट्राई एंड एम फॉर 300 लाइक्स, एंड आई होप आप लोग करवा दोगे गाइस. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट गाइस. थैंक यू. I did not do that. Oh, okay. Thank you for watching. Peace out.